हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने दोस्तों इमली जो थोड़ी सी ली है और इसको मैं थोड़े से गुनगुने पानी में डिप करके एक घंटे के लिए रख दूंगी एक साइड। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें जो है हरी मिर्च डाल दूंगी, एक प्याज और एक टमाटर लूँगी और पुदीने की कुछ पत्तियाँ जो है वो मैंने तोड़ के धोके रखी हुई हैं। इसके बाद मैं इस पुदीने को मिक्सी में डाल के बारीक पीस लूँगी। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूँगी। इसमें आप दोस्तों थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। जो अच्छे से पिस जाए, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें टमाटर डालूंगी और उसको भी अच्छे से हम पीस लेंगे। ये देखिए, टमाटर की भी प्यूरी बन गई है। अब हम इसको भी एक उसी बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोस्तों प्याज को भी मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों प्याज को हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। अब हम प्याज को भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों अब इमली जो है उसको हम अच्छे से मैश करेंगे हाथों की मदद से। अब छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, चिली फ्लेक्स थोड़ा से, चीनी थोड़ी सी, अमचूर पाउडर, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी सबको। अब ये चटनी हमारी जो इमली की है वो रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी है दोस्तों मेरी रेसिपी? आप इसे पकौड़ों के साथ, किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।